फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप लोगों को इंतजार था। जी हाँ गाइस, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तुरंत सही कर लो, 2 मिनट में अपना स्टेटस आ गया ऑप्शन। जी हाँ गाइस, अगर आपका भी स्टेटस ऐसा शो करा जैसे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपके लिए ऑप्शन खोल दिया गया, मतलब पोर्टल में वो ऑप्शन इनेबल कर दिया गया। फटाक से 2 मिनट में अपना अपना स्टेटस सही कर लो सभी लोग। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पर सबसे पहले ये अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। गाइस, यहाँ पर आप लोग स्टेटस देख सकते हो लाइव प्रूफ के तौर पर। तो अब मैं बता दूं कि जितने भी छात्रों का स्टेटस बैंक से रिजेक्ट हुआ है उनके लिए ऑप्शन आ गया है। देखो अभी 2-3 दिन पहले मैं बता दूं, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी जिसका मार्क्स नहीं आया था, यहाँ पर प्रमोटेड विथ मार्क्स था, वो लोग अपना रिजल्ट अपडेट कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या था कि पोर्टल में बैंक चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था, आपको पता होगा। तो काफी सारे छात्र परेशान थे, मुझे मैसेज कर रहे थे सर बताओ बताओ। मैंने उनसे वादा किया था कि देखो भाई कुछ दिन वेट कर लो, हो सकता है पोर्टल ओपन हो जाए, नहीं तो आपके कॉलेज में सस्पेक्ट लिस्ट आएगी। तो फाइनली वो दिन आ चुका है और आपका करेक्शन का पोर्टल अब ओपन हो चुका है। बैंक वाला ऑप्शन भी आप लोग चेंज कर सकते हो। ये बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है जिनका बैंक चेंज हो गया है। जैसे आपकी बैंक अगर मर्ज हो गई हो और IFSC कोड वाली प्रॉब्लम है, तो आपके लिए पोर्टल में बैंक चेंज करने का ऑप्शन दे दिया है, IFSC कोड भी चेंज करने का ऑप्शन दे दिया है, बैंक का नेम चेंज करने का ऑप्शन दे दिया है, और यूट्यूब पर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं। तो आप लोगों का फर्ज बनता है, प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट ला सकूं। बाकी पेंडिंग वाले थोड़ा वेट करें, अगर आपका यहाँ पर ये पेंडिंग है, ये भी मैं बता दूं, जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर पेंडिंग कब तक वेरीफाइड होगा, बताओ सर क्लियर। तो पेंडिंग जितने भी स्टेटस है सभी स्टेटस आपके यहाँ जनवरी के पहले पहले वेरीफाइड हो जाएंगे। जिनमें करेक्शन नहीं रहेगा उनकी बात कर रहा हूँ, समझ गए। जिनका पेंडिंग बचा है और करेक्शन कुछ नहीं करना है, उनका स्टेटस जनवरी मतलब 28 जनवरी तक वेरीफाइड हो जाएगा। और जिनमें करेक्शन है उनका मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फरवरी लग जाएगा, 10 फरवरी 12 फरवरी तक। अब चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ, मतलब पूरा पोर्टल ओपन करके दिखाता हूँ बैंक वाला कि कैसे कैसे बैंक चेंज हो रही है। तो हर बार की तरह आपको boardsexam.com सर्च कर लेना है और यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है, यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस या यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन, दोनों में से किसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे ये ऑप्शन आएगा, मैंने यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन 2022-23 पर क्लिक किया जो पिंक वाला था। अब स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आओ, देखो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर हो आप लोग, फ्रेश रिन्यूअल जो भी आपका फॉर्म है, मान लीजिए यहाँ पर मैं रिन्यूअल का दिखाऊंगा, तो इस पर क्लिक करता हूँ सारी डिटेल फिल आउट करके, फिर आगे मैं आपको लाइव करेक्शन करके दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके सामने मैंने लॉग इन करके आ गया, और यहाँ पर ये 3 डॉट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद संशोधन वाले ऑप्शन पर चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैंने ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रोटेट मोड में है, मतलब आप लोग समझ सकते हो सीधे सीधे नहीं है, जैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ नॉर्मल वीडियो वैसे है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। अभी जब आपको आप इसको सीधे करोगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा। चलिए मैं उस पर क्लिक करके फिर दिखाता हूँ। तो देखिए सारा कुछ ऑप्शन खुल चुका है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लाइव चल रहा है ये करेक्शन का पोर्टल, सारी चीजें आपको लाइव दिखा रहा हूँ। कुछ चीजें मैंने हाइड कर रखी है सिक्योरिटी के पर्पज से, और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, रिस्पॉन्स फ्रॉम PFS, IFSC कोड इधर नॉट प्रेजेंट आर करेंटली इन एक्टिव इन TBL बैंक ब्रांच। अब नीचे आओ, देखो यहाँ पर आपका जो 12th वाला, यहाँ पर 13 वाला जो नंबर है ब्रांच का नाम, यहाँ पर जैसे 7 वाला है, इसको ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो आप लोग। उसके बाद जो आपका IFSC कोड वाला है 15वां पॉइंट, यहाँ पर देख सकते हो IFSC कोड, इस पर देखो मैं क्लिक करूंगा, देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने लाइव प्रूफ के तौर पर, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोग बैंक का नेम, जो 11th वाला पॉइंट है बैंक का नेम, इस पर क्लिक करो, बैंक भी बदलने का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग लाइव प्रूफ के तौर पर देख सकते हो। तो फटाफट से जाओ कर लो, और जिनका एनरोलमेंट नंबर और ये मार्क्स वाली प्रॉब्लम वो लोग भी जाके अपना अपना एडिट कर लो, और जिनका ये सेमेस्टर वार्षिक वाला है इसमें भी कुछ गड़बड़ी है तो इसको भी जाके सही कर लो फटाफट से, देरी मत करो आप लोग, क्योंकि 27 तारीख लास्ट डेट है, समय आपके पास कम है। ये मत सोचना कि मैं 26 तारीख को करेक्शन करूंगा, हो सकता है पोर्टल में कुछ इशू आ जाए, सर्वर इशू आ जाए, तो आप रह जाओगे स्कॉलरशिप से। जाओ फटाफट से आप लोग अपना अपना करेक्शन कर लो, और बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैंने आपको गुड न्यूज दी। बाकी यार आपको पता होगा जैसा कि आज है 24 जनवरी तो आज यूपी स्थापना दिवस है, और जैसा कि यूपी गवर्नमेंट ने बोला था कि यूपी स्थापना दिवस आज 24 तारीख को हम कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप देकर इसका शुभारंभ करेंगे, तो हो सकता है कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए, मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बोले थे। तो अब देखा जाएगा, जो भी जैसा भी होगा स्कॉलरशिप को लेकर मैं आपको बताऊंगा कि किस स्कॉलरशिप कब तक आती है, और 26 जनवरी तक हम लोग वेट करते हैं, और पैसा जैसे ही अकाउंट में आना क्रेडिट होता है फेज वन का, मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नए चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको भी फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।